कौन बनाता हिंदुस्तान? क्या कुर्सी के ठेकेदारों? क्या कुर्सी के ठेकेदारों? हम अपना अधिकार मांगते चिप के माध्यम से शुगर मिल को लूटने वाली सरकार मुर्दाबाद। गन्ने के लाभकारी मूल्य की मांग को लेकर हरियाणा के किसान आंदोलन कर रहे हैं। गन्ना किसानों द्वारा हरियाणा की सभी सरकारी चीनी मिलों पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। इस सिलसिले में शनिवार को कैथल सहकारी चीनी मिल के सामने गन्ना किसानों ने रोष प्रदर्शन किया। किसान गन्ने का मूल्य 400 रुपए प्रति क्विंटल देने की मांग कर रहे हैं। किसानों द्वारा कैथल चीनी मिल में हुए चिप घोटाले की जांच की मांग भी की जा रही है। आइए किसान नेता रणदीप की बाइट सुनते हैं। भारतीय किसान यूनियन के समन्वय से पूरे प्रदेश में सभी सहकारी शुगर मिलों के समक्ष धरना प्रदर्शन किया गया। बैठक का उद्देश्य है कि गन्ने का लाभकारी मूल्य 400 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से सरकार घोषित करे। अगर घोषित नहीं करती तो किसान यूनियन व भारतीय किसान संघ सरकार का विरोध करते रहेंगे, विपक्ष की भूमिका निभाते रहेंगे और कैथल शुगर मिल में जो चिप घोटाला हुआ है उस पे सरकार लिपापोती का कार्य कर रही है। इस विषय में भी भारतीय किसान संघ, किसान यूनियन वर्तमान सरकार की आलोचना करती है और इसके विरोध में किसान आंदोलन कभी भी कर सकते हैं। तो हमारी मांग है प्रशासन से, प्रदेश सरकार से कि होश में आए और चिप घोटाले के चोरों को पकड़े। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। गन्ना किसानों की मांगों के समर्थन में दो शब्द भी कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा दें ताकि हमारे हर एक नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।